सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिकॉलोजी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक के वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं होम्योपैथिकॉलोजी के चैनल पे आपसे मुखातब हूँ एक ऐसी वीडियो के साथ जो दिल के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर पसंद आ जाए तो नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ दिल के मरीजों के लिए होम्योपैथिक में जो अहम मेडिसिन है, आज उनको मैं दो मेडिसिन को डिस्कस करूँगा। ऐसे मरीज जिनको ब्लड प्रेशर और खून की शरियानों के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा होता है, ये मेडिसिन इनके बारे में है। ऐसे मरीज जिनका दम घुटना शुरू हो जाता है और उनके एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है, यानी दिल की दर्द शुरू हो जाती है, थोड़ा सा पैदल चलने से सांस की तकलीफ हो जाती है, खसूसी तौर पे खाना खाने के बाद अगर थोड़ा सा चलें वो तो उनके दिल की दर्द आ जाती है और दम घुटना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी सांस लेना शुरू कर देते हैं और उनसे चला नहीं जाता, बाज़कात चलने से उनको पसीना भी आना शुरू हो जाता है। मरीज तेज नहीं चल सकता, तेज चलने से उसको इख्तलाज कल्ब यानी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है, नब्ज की बेतरतीबी हो जाती है, दिल की बाफतों की सोजिश हो जाती है, इन सब की वजह से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसे में जिन लोगों की ये अलामत मौजूद हों तो उन लोगों को सबसे पहले अपना एक टेस्ट जिसको हम लिपिड्स प्रोफाइल कहते हैं वो ज़रूर करवाना चाहिए। उससे ये पता चलता है कि मरीज के खून के अंदर लिपिड्स ज़्यादा तो नहीं हो गए, यानी उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज़्यादा तो नहीं हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा तो नहीं होगी, उनका LDL क्या है, HDL क्या है। तो लिपिड्स प्रोफाइल का टेस्ट ये बता देता है कि खून उनका गाढ़ा हो गया है। अगर उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए तो उसके लिए होम्योपैथिक में आज मैं दो मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, उनके एंजाइना पेक्टोरिस यानी दिल की दर्द को फ़ायदा होता है, खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाता है और दिल के ऊपर जो दबाव होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, उसमें भी कमी आ जाती है। नंबर एक मेडिसिन विस्कम एल्बम है। विस्कम एल्बम 30 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं, जिससे मरीज को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, उसके दिल की धड़कन ठीक हो जाती है, उसकी बेतरतीबी ठीक हो जाती है, मरीज को तेज़ चलने में तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। दूसरी मेडिसिन क्रटेगस है। क्रटेगस को मदर टिंचर में 5 कतरे दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं, जिससे मरीज के दिल को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, खून की शरियानों में दबाव कम हो जाता है, पैदल चलना आसान हो जाता है, दिल की दर्द कम हो जाती है और कुछ देर इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ठीक हो जाती है। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। वस्सलाम।